हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत, और आज अपन करेंगे 16 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, और साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का सबसे पहला पॉइंट है, भारत ने चीन को मात दे बना है संयुक्त राष्ट्र के ESOC निकाय का सदस्य, यानी इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है उसका एक सदस्य बन चुका है भारत, चीन को मात देकर। ठीक है, भारत और आर्थिक सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य बन चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत 4 साल यानी 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आगे है, आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए है वो भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। ठीक है, किन 3 देशों के बीच में मुकाबला था? भारत, चीन, अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता ही भी नहीं कर सका। ठीक है, बाद में ये भी आपको नोट करना है कि हमारे स्टेटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ESOC स्थापित कब हुआ था? 1945 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? मुनीर अकरम है, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ये आपको सारे के सारे पॉइंट नोट करने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है हमारा, टिकटॉक ने और केल को बनाया है अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए और सेल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीनी ओनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए और सेल को अपने तकनीकी साझेदार चुना है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है, योशी हिंदे सुंगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। योशी हिंदे सुंगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, शिंजो आबे की लेंगे जगह। ठीक है, ये आपको पॉइंट नोट करना है अच्छे से, कौन बनेंगे? योशी हिंदे सुंगा जो होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशी हिंदे सुंगा को देश की सुतारडू पार्टी, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है LDP के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया है। 31 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 से कार्यकाल है उसका प्रभार वो ग्रहण करेंगे, और अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले जो प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो आबे ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में सुगा को 534 वोट में से 377 वोट मिले। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में 2 आपको पॉइंट और नोट करने हैं स्टेटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को दी है मंजूरी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को दी है मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, किस की सहायता से स्थापित कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसको स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ की कुल लागत से तैयार किया जाएगा, और इसका विनिर्माण है ये भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना जताई गई है। बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 15 से 20 सुपर स्पेशलिस्ट विभाग होंगे। ठीक है, इस प्रस्तावित संस्थान की कुल बेड क्षमता 750 होगी, जिसमें इमरजेंसी ट्रोमा बेड, ICU बेड और प्राइवेट और स्पेशलिस्ट सुपर
जो स्पेशलिस्ट बेड शामिल होंगे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद में बिहार की बात हो रही है तो बिहार में बन रहा है एम्स, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 ये है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP -9% रहने का जताया अनुमान। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP के लिए जारी किए अपने पहले अनुमान 5% नेगेटिव को बदलकर अब 9% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP है ये 6% की वृद्धि भी जता रही है। ठीक है, जबकि FY23 यानी 2022-23 में 6.2% की दर से वृद्धि होने की अनुमान लगाया है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में है S&P ग्लोबल रेटिंग जो मुख्यालय है इसका ये कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और रेटिंग के जो अध्यक्ष है वो है जॉन बेरिसफोर्ड। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन यहीं से ही मिलेगा, कहीं से ही बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 ये है, हरिवंश नारायण सिंह दोबारा चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह दोबारा चुने गए हैं राज्यसभा के जो है उपसभापति के रूप में चुना गए हैं। जनता दल के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। इन्होंने उस सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की थी। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल है अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद में आपको ये नोट करना है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, ये भी पूछ सकता है, तो वो है M. वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 7 ये है हमारा, राजेश खुल्लर को बनाया गया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1988 बैच के IPS अधिकारी राजेश खुल्लर को Washington DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दे दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है। वे नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट करना है अच्छे से, और आपकी एक जो कॉपी है उसके अंदर ये अच्छे से नोट होना चाहिए, जितने भी मैंने आज तक क्लास डाली है वो आपकी कॉपी में एक नोट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में खुल्लर है कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का जो कार्य है उसमें ये प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल है। ठीक है, कितने हैं, 25 है, जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना है। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के Washington DC में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी July 1944 को, यानी ये आपको सारे के सारे पॉइंट नोट करने हैं। उसके बाद में है समीर कुमार खर्रे बने हैं ADB के नए कार्यकारी निदेशक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व बैंक का आ गया और ये भी आ गया यानी एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने समीर कुमार खर्रे को एशियाई विकास बैंक जो मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खर्रे है ये 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS जो असम केंद्र के अधिकारी है और वे वर्तमान में वित्त जो मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत है। ठीक है, समीर कुमार खर्रे बने हैं ADB के कार्यकारी निदेशक, ये अच्छे से नोट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में ये आपको नोट करना है,
ये 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके बाद में एशियाई बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है मात्सुंग असाकावा, ठीक है। मात्सुंग असाकावा है वो ADB के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। एशियाई बैंक जो है वो अपना विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, माडलुंग फिलीपींस, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। ये 3 क्वेश्चन स्टेटिक जीके से अपने बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है, आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित, ठीक है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उन्होंने भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। आगे है, यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। आप पूछ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बैंकों या बैंकरों को प्रदान किए जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये है हमारा, ठीक है, तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1992 में की गई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था, ये भी आपको नोट करना है। आगे आपको ये नोट करना है, इम्पोर्टेंट है, HDFC बैंक की टेगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। और HDFC बैंक का मुख्यालय क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, तो आपको नोट करना है अच्छे से। उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है, गौरी खान ने की है अपनी पहली माई लाइफ इन डिजाइन रिलीज करने की घोषणा, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इज डिजाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेगुइन रेडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। ये एक कॉफी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में अपनी आंतरिक डिजाइन परियोजना पर घर परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीर शामिल है। वह अपने डिजाइन और शैली के बारे में भी अपनी बात कर रही है इस बुक के अंदर, ठीक है। पुस्तक विशेष रूप से नए डिजाइनरों या उन लोगों को मार्गदर्शन करने वाले विशेष चित्रों और सूचनाओं के साथ बहुत ही आकर्षक होगी, जो आमतौर पर डिजाइन की कला के रूप में रुचि रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 11 है जो कि इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को विश्व स्तर पर, यानी वर्ल्ड जो लोकतंत्र का राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है 15 सितंबर को विश्व स्तर पर। हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह जो है जीवन बनाया जा सके उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, ठीक है। इस दिवस को 2007 में ये मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। और 2008 में पहली बार ये मनाया गया, कब, 15 सितंबर को 2008 से मना रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नोट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में वर्ष 1968 से मना रहे हैं, हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर MBV के नाम से प्रसिद्ध थे। सर MBV के नाम से प्रसिद्ध कौन थे, सर मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, ये उनका नाम था, उन्हीं के जन्मदिवस पर ये मनाई जाती है। सर MV को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, यानी आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हो, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक में क्वेश्चन यहीं से ऐसा पूछ सकते हैं कि आधुनिक मैसूर के जनक कौन थे, तो वो थे सर MV, और उनके जन्मदिवस पर ही राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को।
इन्होंने 1955 में भारत के निर्माण में उनकी असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमवी को कब किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया था, 1955 के अंदर। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का हो चुका है डेथ। ठीक है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया, COVID-19 के कारण उनका डेथ हो चुका है। वे 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धर्मजीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है। राठिया ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा राठिया ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत योगी सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ये आपको, ये कहाँ के थे और ये आपको नोट करना है अच्छे से, सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में आज का लास्ट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने मनाया है हिमालय दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIHG द्वारा वर्चुअली हिमालय दिवस मनाया गया। ठीक है, हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय के विभिन्न पहलुओं की विशेषज्ञता हासिल करने वाले जो वैज्ञानिकों द्वारा भू संकलन, आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता जोखिम जागरूकता समन और हिमालयन जो क्रोपोस्फीयर है उसकी ओर ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे कई क्षेत्रों के विचार विमर्श किए हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। कितने पॉइंट थे, 14 पॉइंट थे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको सारा कुछ मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।